उस दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे पेट में दर्द था। ओफ, आ, कितना दर्द हो रहा है पेट में। अम्मी जान को बताता हूँ। अम्मी जान, बहुत दर्द हो रहा है। कल रात तुमने क्या खाया था जान? कल रात क्या खाया? अम्मी जान, रात को तो मैंने खाना ही खाया था ना। खाने में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे पेट में दर्द हो। तुमने रात को उठकर तो कुछ नहीं खाया ना जान? हाँ। मजेदार। हाँ? क्या हुआ जान, क्या सोच रहे हो? कि अम्मी जान को बता दूं कि रात को मैंने आइसक्रीम खाई थी। बता दूं या ना बताऊं? रात को तुमने कुछ खाया था ना जान? नहीं अम्मी जान। अच्छा, तुम्हारे बाबा आ जाए तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं हम। हो सकता है तब तक वैसे ही दर्द ठीक हो जाए। ठीक है जान, जाओ अब जाकर आराम करो। ठीक है अम्मी जान। एक तो पेट का दर्द और ऊपर से झूठ भी बोल दिया अम्मी जान से, अब क्या करूं? ये लो, ये खा लो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। और अब इस सिरप का एक चम्मच भी पीना है तुम्हें। लो पियो। उफ, ये तो पेट के दर्द से भी ज्यादा बुरा है। हाँ, लेकिन इसी से तुम ठीक होगे जान, चलो अब आराम करो। लेकिन अभी तो मैंने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना है पार्क में। जान, लेकिन तुम आराम नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे? कल खेल लेना फुटबॉल। मेरा ये दर्द कब ठीक होगा अम्मी जान? फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या मैं अम्मी जान को बता दूं कि मैंने उनसे झूठ बोला है? किसी को पता है जान क्यों नहीं आया? हाँ, शायद वो बीमार है। मेरा ख्याल है हमें उसके घर जाके उससे पूछना चाहिए। नहीं एवनी, मेरी अम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। मेरे ख्याल से हम घर चलते हैं, जान के घर कल जाएंगे। हाँ, दर्द खत्म हो गया। वाह, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये अम्मी जान को बताता हूँ। अब जब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है तो मुझे अम्मी जान को सब सच बता देना चाहिए। उनसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैंने झूठ बोला। अच्छा, तो ये बात है, समझ गई। मैंने झूठ बोला है, आइसक्रीम मैंने खाई थी, शायद इसीलिए पेट में दर्द था। कोई बात नहीं जान, लेकिन देखो बेटा, आइंदा ऐसा मत करना। आई एम सॉरी अम्मी जान, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। झूठ बोलना एक बुरी आदत है और इससे हमें ही नुकसान होता है बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं जान, आइंदा कुछ खाने को दिल करे तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूँगी। ठीक है अम्मी जान, आइंदा से मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, सब सच बताऊंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी जान, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। उस दिन मैंने सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, खास तौर पर अपनी अम्मी जान और अपने बाबा जानी से भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, समझ गए? फिर बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।